हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज है 26 जुलाई 2020 और आज करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC के साथ समझौता किया है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में NSDC के साथ जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए एक समझौता किया है NSDC, जिसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म है ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक। यह है इंडिया का पहला पेमेंट्स बैंक है दोस्तों, और इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इसके CEO हैं जो प्रेजेंट में अनुव्रत विश्वास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद हेतु कौन सा ऐप शुरू किया है? इसके ऑप्शन है प्रवासी रोजगार ऐप, रोजगार अवसर ऐप, रोजगार श्रमिक ऐप, कामधन ऐप। दोस्तों इसका आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप। दोस्तों अभिनेता सोनू सूद हाल ही में कोरोना वायरस के दौरान बहुत ही चर्चा में रहे हैं दोस्तों। ये इन्होंने कोरोना वायरस के दौरान जितने भी जो मुंबई में प्रवासी मजदूर थे उनको उनके घर तक पहुँचाया है। उन्होंने बस वगैरह, ट्रेन, हवाई जहाज, इनकी मदद से इन्होंने जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनको सभी को उनके घर पहुंचाया था। तो उन्होंने हाल ही में ये प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है, जिसके तहत पूरे भारत में कोई भी अगर प्रवासी बेरोजगार है तो वो इस ऐप पर पंजीयन करा सकता है और रोजगार के अपने रोजगार प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया? इसके ऑप्शन है यस बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, इनमें से कौन है? दोस्तों इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है। इंस्टा क्लिक का मतलब दोस्तों ये 5 मिनट में ये सेविंग अकाउंट खुल जाएगा दोस्तों, जो 1 साल के लिए ये सेविंग अकाउंट मान्य होगा। 1 साल के बाद में इसमें KYC करवानी जरूरी हो गई दोस्तों। इसके तहत आप 1 लाख रुपये तक की इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी कर सकते हैं दोस्तों, जब तक आप KYC नहीं करवाते। और 1 साल के बाद में आपको कंप्लीट इस खाते को अगर सुचारू रूप से जारी रखना है तो आप इसमें आपको KYC करवानी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो ये खाता फ्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, BOB ने एक योजना चालू की है। तो दोस्तों BOB का हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में, इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया और इसके MD CEO हैं संजीव चड्डा। और इसकी टैगलाइन है दोस्तों द इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। दोस्तों इसका विल अभी दोस्तों थोड़े दिन पहले इसमें 2 बैंकों का विलय हुआ था, देना बैंक और विजय बैंक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया? इसके ऑप्शन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अमूल के साथ जो डेयरी के उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनके साथ समझौता किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो दोस्तों किसके साथ समझौता किया? अमूल के साथ। तो अमूल का मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में, और इसके CEO हैं RS सोदी। और आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और अमरावती प्रस्तावित राजधानी है जो थोड़े दिनों बाद बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश दोस्तों। ऑपरेशन हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान आंध्र प्रदेश में चला था, जो गुमशुदा बच्चों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन सरकार के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। और इक्रॉप के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण, ये योजना चलाई गई थी जिसके द्वारा किसानों की फसलों का पंजीकरण, ताकि किसानों को उनका लाभ पूरी तरह से मिल सके दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत उनको सामने नहीं, इसलिए उनके फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए इक्रॉप नाम की योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी? इसके ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जलापूर्ति परियोजनाओं के आधारशिला रखी गई है, जिससे वहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ये परियोजना को क्या आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और इसके तहत जो वहाँ के गांव हैं उनकी जो परियोजना है उनको जोड़ा जाएगा दोस्तों, और वहाँ पे बेहतर तकनीक के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि वहाँ पे सिंचाई के साधन अच्छी तरह से उपलब्ध करवाए जा सके और खेती को सुचारू रूप से किया जा सके दोस्तों। तो यह कहाँ हो रही है? मणिपुर में। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं NBR सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। और हाल ही में मणिपुर में खुडोल पहल की शुरुआत हुई थी दोस्तों, और मणिपुर में ही पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया था दोस्तों। और इस खुडोल पहल की जो यह है इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ ने तारीफ की थी मणिपुर में जो ये पहल शुरू हुई थी। और
लाई हार वो त्यौहार मणिपुर का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों, ये मणिपुर में मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है? ये मणिपुर में है दोस्तों, ये मणिपुर में, ये विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों। और लोकटक झील, ये भी इसी पार्क में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हाल ही में किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है श्रुति देशमुख, टीना डाबी, अक्षय जैन, कनिष्क कटारिया। दोस्तों इसका आंसर है टीना डाबी दोस्तों, ये ध्यान में रखना दोस्तों, ऑप्शन बी इसका टीना डाबी आंसर होगा दोस्तों। और ये IAS अधिकारी हैं टीना डाबी, जो फिलहाल में गंगानगर, इनमें गंगानगर सिटी में, राजस्थान का गंगानगर है, श्री गंगानगर, वहाँ पर इनकी पोस्ट है दोस्तों, जिला परिषद अधिकारी हैं दोस्तों। और इनको अभी हाल ही में IAS ब्रिक्स मानद का सलाहकार हो चुके। अब दोस्तों ये ब्रिक्स क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में दोस्तों, पर इससे पहले दो ये BRICS था, ब्रिक्स, ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। और दोस्तों इसमें मैंने ये पूछा था कि इसमें साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ दोस्तों, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया था दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि साउथ अफ्रीका को इसमें कब शामिल किया, 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बजाज फाइनेंस के किस अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया? इसके ऑप्शन है राहुल बजाज, रमेश बाबू, BR मित्तल, संजीव बजाज। दोस्तों इसका आंसर है राहुल बजाज। हाल ही में राहुल बजाज ने बजाज फाइनेंस से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। इसके बाद में इसके उपाध्यक्ष हैं संजीव बजाज, ये इनका इस्तीफा 31 तारीख को अपने इनके पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे दोस्तों। 31 जुलाई तक ये पद तक बने रहेंगे, और इसके बाद में जो इसके उपाध्यक्ष हैं संजीव बजाज, इनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाएगा बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस की स्थापना 2007 में, और इसका हेडक्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के पॉजिटिव और संदिग्ध रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया गया? इसके ऑप्शन है एम्स नागपुर और एम्स भोपाल, और एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर और एम्स जोधपुर। हाल ही में इसका आंसर है ऑप्शन ए एम्स नागपुर। एम्स नागपुर के द्वारा हाल ही में जो एक कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव और संदिग्ध रोगी हैं उनको ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाया गया दोस्तों। और ये रिस्ट बैंड अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स नागपुर ने IIT जोधपुर और IIT नागपुर के सहयोग से स्वदेशी रूप से कोविड पॉजिटिव और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है दोस्तों। ये डिवाइस एक स्मार्ट रिस्ट बैंड के रूप में है, जो ट्रैकिंग और निगरानी के लिए किसी भी मौजूदा ऑनलाइन मोबाइल ऐप की सीमाओं को बनाने के लिए बनाया गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन के बारे में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस देश को विश्व व्यापार संगठन WTO से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला? इसके ऑप्शन भारत, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, इनमें से कौन है? दोस्तों इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन WTO का ऑब्जर्वर मिला है। ये 2500 देश है जिसे ये ऑब्जर्वर मिला है दोस्तों। अब ये 2500 देश बन गया है दोस्तों जिसका ये ऑब्जर्वर मिला है दोस्तों। ये किसके मिला है? WTO, इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 में दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों WTO के सदस्य देश हैं 164, और इसका 164वां देश बना है अफगानिस्तान बना था दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना। और इसके निदेशक है रोबर्टो ओबेटा। और ये दोस्तों तुर्कमेनिस्तान इसका 2500वां ऑब्जर्वर बना है। तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अजकाबाद, और यहाँ की मुद्रा है मन्नत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनी रोज का निधन हुआ, वे कौन थी? अभिनेत्री, लेखक, गायिका, इनमें से कौन? दोस्तों इसका आंसर है गायिका। एनी रोज एक गायिका थी जो इंग्लैंड की थी दोस्तों, और इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। तो ये कहाँ की थी? इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, और इंग्लैंड के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। और इस वीडियो में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, या हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, हमें कमेंट करें दोस्तों। हम कमेंट का रिप्लाई आपको जल्द ही देंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपके पास ये वीडियो हर रोज़ मॉर्निंग में उपलब्ध हो जाए दोस्तों आपके चैनल पर। और इसे वीडियो को रोज़ देखें, नोट्स बनाएं दोस्तों, और इसको रिवाइज करें, बार बार देखें वीडियो, ताकि आपकी परीक्षाओं की तैयारी सुचारू रूप से चालू लगातार बनी रहे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।